हाई एवरीवन, माय नेम इज शान बसीन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, यस, मैं बहुत टाइम से गायब था यूट्यूब चैनल के अंदर, बिकॉज ये जो मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी चल रही थी, मुझे उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना था एंड मैंने किसी को भी सजेशन नहीं दिए अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर और कहीं पर भी, और मैंने खुद भी पर्सनली कोई भी ट्रेड्स नहीं लिए थे। मैं फोकस कर रहा था, थोड़ा बहुत मैंने अपना माइंड शिफ्ट कर लिया था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एंड वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे थे, बट मैं मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से अभी फिलहाल थोड़ा सा दूर हूँ। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हमें कोई एक प्रॉपर तरीका या डिसीजन नहीं पता चल जाता कि किस वे में ये आगे कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा उन लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए कि हम रशिया के ऑयल्स को इंपोर्ट नहीं करवाएंगे और उसकी वजह से $130 पर बैरल तक जा चुका है और शायद हो सकता है 10-12 रुपये हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं। उसके बाद अभी एग्जिट पोल आया है कि शायद गोवा में जो 10 साल तक बीजेपी बन रही थी वो अब शायद ना भी बन पाए, बिकॉज बहुत टक्कर चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी पे। 45% शायद यूपी लेकर जा सकती है 230 सीटों के आसपास। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो अभी हमारे हिसाब से मार्केट पे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए रादर देन हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पुट करते हैं, और ये सही टाइम नहीं है अभी पैसा लगाने का मार्केट के अंदर जब तक एक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता। अभी तक हम सिर्फ एक गैप डाउन देख रहे हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी अपमूव आती है, अगेन एक फॉल कर जाता है, कहीं सपोर्ट कहीं रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। सो फ्रॉम माई साइड अभी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, या कर सकते हो तो बहुत 20-20% रेशियो पे आप लोग कर सकते हो, रैदर देन आई विल नॉट सजेस्ट टू डू एनी इंट्राडे ट्रेडिंग रैदर देन इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि ये वीडियो फिर क्यों बनाई गई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब चल क्या रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो बट विद वेरी 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 लिमिटेड क्वांटिटीज अगर आप करना चाहते हो। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आप मत करना, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाई थी, सो मैंने सोचा अब आप लोगों के लिए बना ही देता हूँ। जो लोग करना प्रेफर करते हैं इंट्राडे, दे कैन डू दैट, बट इट्स अ हाईली रिस्की ट्रेड्स दैट आई एम अवेलेबल टू प्रोवाइड यू, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ। सो हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट सेटअप पे आ गए हैं, और अगर आप लोग ने मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखते रहते होंगे तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि मैं कभी भी आप लोगों को ना सेल के ट्रेड्स नहीं देता, हमेशा मैं आपको बाय के ट्रेड देता हूँ। मार्केट नीचे होती है तो भी आपको बाय के ट्रेड्स दिए जाते हैं, तो अभी तक आपको एक रीज़न तो पता भी चल गया होगा कि मैं सेल की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आई नीड द मार्केट ऑन एन अपसाइड, और मुझे वही स्टॉक्स पसंद है जो एक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाते रहे या हमें मिलते रहे। मेरे पास स्टॉक्स हर दिन ऐसे होते थे बट मैं आपको तब भी नहीं दे पाता था बिकॉज ऑफ द अंडर कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर था मार्केट को लेके, कि मार्केट वो शायद फुलफिल नहीं कर पाएगी, और हमें ज़बरदस्ती अपना पैसा नहीं गंवाना, हम होल्ड करके रखेंगे और जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम तभी मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। जो लोग हाइपर कि हमने आज ट्रेड नहीं लिया, हमने कल ट्रेड नहीं लिया, मार्केट ये कर रही है मार्केट वो कर रही है, उस चक्कर में एंटर करते हैं, वो जनरली लॉसेज ही बुक करके निकलेंगे और वो ज़्यादा टाइम मार्केट पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी हमने ओपन कर लिया, अभी हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा है। सबसे पहले एक बार स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो देखिए, एक चीज़ तो हमें पूरी ढंग से पता है कि मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश फेज में है, और अभी एक माइनर सा बस हम लोग देख रहे हैं, एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस लेवल से तो मैं एक बड़ी अपमूव तो नहीं बनाना चाहता फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बट हमें पता है कि इस लेवल से एक अच्छी अपमूव आई थी, सो आई कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर फिबोनाची एट दिस प्राइस, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी अपमूव आई आफ्टर दैट इट टेक अ पॉज फ्रॉम सम वाइल, और उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली, एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं हम चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली 61% पे आके इसने हॉल्ट करा है और यहाँ पर अब ये पेशेंसली वेट कर रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रैटेजी बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। हम हर टाइम फ्रेम पे एक या दो चीज़ें प्लान करेंगे एंड सबको क्लब करके एक तरीका निकालेंगे कि कहाँ हमें लगता है पॉज ले सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अभी हम लोग न्यूज़ ड्रिवन चलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा फॉलो अभी नहीं कर रहा, मैं ट्रेड तो दे ही नहीं था आप लोगों को, ना मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट आप भी हम लोगों को कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम लोगों को न्यूज़ ड्रिवन भी चलना पड़ता है और टेक्निकल एनालिसिस को कुछ टाइम के लिए भूलना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर हमें लेवल्स पता चल रहे हैं, बट लेवल्स के साथ साथ न्यूज़ ड्रिवन को फॉलो करना है, बट न्यूज़ ड्रिवन क्या है, नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कभी नए सैंक्शंस लग रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कभी हमारा इंडियन रुपी इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे आने वाला है एंड बॉन्ड डील्स कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। और अभी तो इलेक्शन है तो जैसे वोट ऊपर नीचे होंगे तो वही
दोबारा हो जाएगा। और यूपी तो सबसे बड़ा एरिया है बीजेपी के पास, तो स्टेट है, तो अगर वहां पर भी कुछ ऊपर नीचे सीट्स का हुआ तो सबसे बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े टाइम तक तो बिल्कुल भी ट्रेड्स मत करिएगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो टेलीग्राम पे अब आपको कल से प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा, बट इट्स योर ड्यूटी टू प्ले सेफ, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61% पे डेफिनेटली हॉल्ट करा है, आज नीचे गया था बट क्लोजिंग इसने नहीं दिया है एंड वीक तो अभी स्टार्ट हुआ है। सो अगर वीक स्टार्ट होता है और अगर हम लोग देखते हैं कल इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करती है तो शायद हमारे लिए हलचल प्रॉब्लम हो सकती है और तब शायद हम लोग एक नेगेटिव ट्रेड्स लेकर जा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि 15,300 और 15,100 का लेवल बहुत इजीली आ सकता है, 15,300 टू 15,000 का लेवल बहुत इजीली हमें देखने को मिल सकता है। लेट मी शो यू, या आप एक रेंज देख रहे होंगे, ये रेंज है जिस लेवल पे हम लोग एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हो एक डोजी कैंडल ही बनी है, ठीक है, एक डेड कैंडल है एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग अभी ट्रेड की सलाह तो नहीं दे सकते, इसके बेसिस पे कुछ पता भी नहीं लगा सकते। एंड फ्रॉम माय साइड आई थिंक वी नीड अ गैप अप टुमारो, बट जिस तरीके से एग्जिट पोल एक दो चैनल्स के निकल के आ रहे हैं, जी के हो गया एंड हर जगह के, कि गोवा में पहले बात तो 10 साल से बीजेपी बनी हुई थी और अब शायद टक्कर की लड़ाई हो रही है बिटवीन कांग्रेस, और कांग्रेस हल्का सा ऊपर है बीजेपी से, तो वहां पर भी शायद कल मार्केट पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एंड बहुत अदर वेरियस फैक्टर्स हैं। सो फ्रॉम माय साइड कल अगर एक दोबारा गैप डाउन होता है और तब रिकवरी स्टार्ट होती है तो हम लोग ट्रेड की सलाह ले सकते हैं, बट वो रिकवरी दूसरी बार आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आज तो यही हुआ, आज क्या हुआ, जितने लोगों ने एक, अगर आप चेक करोगे, एक बहुत बढ़िया लेवल था, लेट मी शो यू, ठीक है, आप ये चीज चेक करिए। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था एंड इस सपोर्ट से बाउंस करा, आफ्टर दैट इसने एक बहुत अच्छा गैप डाउन ओपनिंग दी एंड मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर गई, मार्केट यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हो गया था, एक घंटे बाद ओपन हुआ गैप अप। तो जितने लोगों ने यहाँ पर पुट राइट कॉल राइटिंग कर रखी होगी, पुट्स बाय कर रखे होंगे, हेवी लॉसेस शो हो रहे होंगे एंड आफ्टर दैट वो दोबारा उसी लेवल पे आ गया एंड कंसोलिडेट करने पे आ गया। सो फ्रॉम माय साइड यहाँ पे ना बहुत अपॉर्चुनिटीज आप लोग मिस कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पैसा आप गवा सकते हो। करना क्या है, प्ले सेफ करो एंड बहुत ईजिली सेफ करो जब तक आप मार्केट के अंदर हो और मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड अगर ये कल का लो ब्रेक करता है तो हम लोग ओपनिंग प्राइस यही होता है और कल का लो ब्रेक करता है और क्लोज करता है ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अदर देन दैट अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन के बाद पहली रिकवरी आती है, तो पहली रिकवरी में हमें एंटर नहीं करना, नीचे आएगा डेफिनेटली, दूसरी बार जब रिकवर करेगा देन डेफिनेटली वी कैन एंटर, और अगर डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है या फॉलिंग वेज बनता है वहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट दूसरे टाइम पे हमें एंटर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, शॉर्ट अगर करना है तो शॉर्ट हम तब भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैप डाउन हल्का सा ओपन हुआ इसी रेंज के, तो हल्का सा ही नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं अगर ये कैंडल बियरिश क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज होती है, ठीक है। बट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे, बिकॉज हर जगह पुट राइट कॉल राइटर्स एक्टिव है, हर 50-50 रुपए पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। सो फ्रॉम माय साइड हर जगह हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो निफ्टी के अंदर अभी यही ऑब्जर्वेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी भी हमने ओपन कर दिया एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी ना अभी एक सेम चीज स्ट्रक्चर शुरू हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक जो पास्ट में अगर मैं देखकर चलूँ ना, आप देखिए सबसे बुरी चीज जो हम लोग मान के चलते हैं, एक अच्छी फॉल आ रही है और एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने शुरुआत करी है। सेम गोज विद हेयर, अगर मैं आपको शो करूँ इस लेवल पे, यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी वीक की शुरुआत में, नीचे भी गया था बट एक रिकवरी आई एंड आफ्टर दैट एक अच्छी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली। सेम गोज विद हेयर, अगर आप देखेंगे एक फॉल था, एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है एंड उसके बाद पॉज लिया और एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिली। सेम गोज विद हेयर, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर हमारा एग्जिट पोल भी आ जाएगा एंड सारी चीजें आ जाएंगी और 10 तारीख को रिजल्ट भी पता चल जाएगा। सो फ्रॉम माय साइड ये हफ्ता से हमें अभी पॉज लेना चाहिए इंडेक्स के अंदर, इसके बाद हमें एक प्लानिंग पता चल जाएगी। अगर यहाँ पर एक हैमर क्रिएट होती है
तो हम डेफिनेटली एक बुलिश साइड में ट्रेड लेकर चल सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता, एक बियरिश कैंडल कंटिन्यू करती रहती है, तो फिर हम लोग अपना अलग स्ट्रैटेजी प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था, एंड लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे सपोर्ट्स थे जो ब्रेक हुए हैं गैप डाउन के टाइम पे, तो वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन जरूर लग के चलनी होगी। अभी जो एक दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, दैट शुड बी अराउंड एट दिस लेवल, और इस लेवल को भी हम फॉलो करके चल सकते हैं, जो कि 30,850 टू 30,500 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो शायद मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से भी विक देखने को मिल जाए, बट फ्रॉम माय साइड ये हफ्ता पहले समय इस कैंडल को चेक करना है कि कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है, कैंडल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी में तो कोई भी ट्रेड नहीं है, बस इसको ऑब्जर्व करने वाला ट्रेड है। अब बात करते हैं एक दो स्टॉक्स की। सो गाइस, हमारा सबसे पहला स्टॉक है ONGC, जो मुझे लगता है शायद कल के कल ही टारगेट अचीव कर सकता है। एंड आपको पता है जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, एंड ONGC को सबसे ज़्यादा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो आई थिंक इस पर हम एक बेट लेकर चल सकते हैं। हो सकता है कल ये एक साइडवेज कैंडल बना दे, इनसाइड कैंडल बना दे, आफ्टर दैट दूसरे दिन हम लोग एक ब्रेकआउट देखें, तो इस पर हम एक ऑब्जर्वेशन जरूर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने आज के ट्रेडिंग सेशन पे, एंड एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल के साथ भी इसने क्लोजिंग करी है। दूसरी चीज़, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो तो रीजन आपको अभी मैंने बताई दिया, क्रूड ऑयल का जिस तरीके से 120 बैरल के ऊपर चला गया था, तो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर गया, कहीं पर हम लोगों ने एक शॉर्टफॉल नहीं देखी और अपने हाईस के आसपास ही क्लोज करा, विच इज अ वेरी गुड साइन। दूसरी चीज़, अगर आप चेक करेंगे तो ये दोबारा एक नया हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, तो यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है जो कि 206 टू 207 रुपीज़ का आ रहा है। अभी ट्रेड कर रहा है ये 2187 रुपीज़ पे। सो ONGC पे एक बेट लेकर चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 205 टू 207, और आई थिंक वहाँ पर ये फिर जाके पॉज ले सकता है। तो ONGC हमारा एक पहला बेट है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बलरामपुर चीनी, और मैं शुगर सेक्टर की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा, जिस तरीके से मार्केट फॉल कर रही थी और सस्टेन कर रहे थे, आई थिंक इस पर एक अच्छा बेट लेकर चल सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री पे मेरे को बलरामपुर चीनी ज़्यादा ठीक लग रहा है, और मेरे को लगता है ब्रेकआउट की तैयारी भी कर सकता है, अगर मार्केट जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कि पॉज ले ले तो ये अच्छा कर सकता है। पहली चीज़, अगर आप समझेंगे, एक बहुत अच्छी अपमूव आई थी, एंड आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन फेज पे चला गया था, अब फाइनली ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, इसका ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है, फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, तो आई थिंक ये शायद आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो कीप एन गुड आई वॉच इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और अगर इस पर ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली वी कैन एंटर इन दिस स्टॉक। बलरामपुर चीनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी शुगर स्टॉक्स हैं, बट ये सबसे ज़्यादा उनमें अच्छा लग रहा है। अभी तक हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात कर ली, शुगर सेक्टर की बात कर ली, एक तीसरा सेक्टर का एक स्टॉक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो गाइस, मेरा थर्ड सेक्टर है स्टील सेक्टर, एंड स्टील सेक्टर पे जिंदाल स्टील मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड आई थिंक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है आने वाले टाइम पे, तो आई थिंक ये एक अच्छा बैठे, इसमें अपॉर्चुनिटी बना के चल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो ना वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड के अंदर ही कंटिन्यू है, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड अप मूव ये कुछ टाइम के लिए पॉज के अंदर चला गया था एंड एक रेंज बाउंड हो गया था। अब इस रेंज बाउंड का फाइनली ब्रेकआउट दे रहा है, और ब्रेक ये पूरा जो रेंज आप देख रहे हो ना, पूरा एक साल का रेंज है, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में एक पूरा साल हो जाएगा इस रेंज को बने हुए। अब ये शायद ब्रेकआउट की देरी की तैयारी कर रहा है, और बहुत ईजिली अगर आप चेक करोगे, लेट मी शो यू, देखिए बहुत ईजिली ये करके ऊपर गया है, बहुत कंसिस्टेंटली हायर राइज हायर लोज बना के ऊपर की तरफ गया है, और अब ये फाइनली ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। सो फ्रॉम माय साइड जिंदाल स्टील भी एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी चाह रहे हो ना, मतलब 3 महीने के लिए अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो कौन से स्टॉक मुझे ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, तो अपनी थोड़ी बहुत कैपिटल अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है तो कुछ इन्वेस्टमेंट इस पे भी स्टार्ट कर सकते हो विद वेरी लो कैपिटल, कम अमाउंट डालना, और अगर डिप दे तो और ऐड करना, और इस तरीके से। तो जिंदाल स्टील हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, एंड ONGC हो गया, तो इन पे आप कर सकते हो और मेरे हिसाब से बढ़िया बेट्स दे सकते हैं। सो ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और शायद अपने लाइफ टाइम हाई जो 500 रुपये का लेवल है उसको भी ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकती है। सो तीन स्टॉक्स हमने आपको बता दिए अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के, आप इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट फ्रॉम माय साइड अभी आप लोग इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी अगर आप पैसा लगाने जाओगे तो 90% to 80% चांसेस है कि आप लॉसेस ही बुक करोगे। सो फ्रॉम माय साइड थोड़ा सा सेफ रहो, प्लान करो एक बढ़िया चीज़ के लिए, और जैसी वो चीज़ सस्टेन होगी मार्केट के अंदर हम एंटर करेंगे विद फुल पावर एंड हर ट्रेड्स हम लोग लेंगे, बट अभी के लिए प्लीज़ बी पेशेंट्स। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।